हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मंजू जसाल ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरा। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं डाल लूँ गमलों में पानी। ये है शीरी और अंदर से है मेरा शीरी, तो ये यहाँ पे मैंने प्लांट लगा रखे हैं, तो इसमें पानी नहीं डाला मैंने। आज 3-4 दिन हो गए तो सूख रखे हैं सब। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, फिर मुझे उसके बाद मुर्गियों को खाना देना है, उसके बाद मुझे करना है मंदिर साफ। और ये है मनी प्लांट, वहाँ पहुँच गए हैं ये। और ये बिल्कुल ही सूख रखे हैं, यहाँ पे धूप आता है इधर से, ये शीशे से, तो बिल्कुल सूख रखे हैं ये। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा आजकल गमलों के लिए भी, दिवाली की साफ सफाई करके। यहाँ पे भी है ये स्नेक प्लांट है, और एक एलोवेरा और एक नीचे पता नहीं क्या नाम है उसका, तो इसमें भी नहीं डाला मैंने। अभी सब मैं पानी डालती हूँ एक बार। अब मैं यहाँ पहुँच गई, और ये भात है, इसको दे देती हूँ मुर्गियों को। कल का भात है, कल दिन में का, तो ऐसे ढक के रखा था, तो दे देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी। मुझे आज मंदिर साफ करने हैं और मूर्तियाँ साफ करने हैं। रोज़ रोज़ मतलब एक महीना हो गया, फिर भी पूरा नहीं हो रहा मेरा काम। ये है मंदिर, और ये सब मुझे ये सब निकाल के धोने हैं, और ये टाइल से भी साफ करने हैं। पानी से धोती हूँ, आज मैं पोछा वाले पानी से धोऊँगी। पानी से धोगे तो फिर यहाँ से नीचे यहाँ धोया, फिर छत धोना होता है, फिर उसके बाद आंगन धोना होता है। पूरा दिन लग जाता है, एक दिन पूरा लगेगा मुझे। उससे अच्छा मैं शॉर्टकट में इस बार सर्फ का पानी बनाऊँगी, तो इनको धोऊँगी पहले टाइल से, फिर उसके बाद साफ पानी से ऐसे घिस के, कपड़े से ही घिस के धोती हूँ। और यहाँ से पानी से धोने तक तो यहाँ से ही, फिर यहाँ से बाहर को पानी ये वाले छत धोना हुआ, फिर उसके बाद नीचे आंगन हुआ, फिर वो आज मैं शॉर्टकट में करने वाली हूँ मंदिर की सफाई। पहले मूर्तियों को खाली करके मूर्तियों को धोऊंगी, यहाँ से धूप में रखूँगी। ये लोबिया है, इसमें भर गए हैं ये, और थोड़ा और जमा करती हूँ। तीसरे चौथे दिन में कितने सारे निकल जा रहे हैं आजकल, इस बार अच्छा हुआ है लोबिया। और बार तो खाली बोती थी, फिर बोए, फिर वो थोड़ा लगने लग गए, कभी फूल लगने लग गए, तो आवारा गाय आके कहाँ रखते थे। इस बार नहीं आए हैं इधर साइड, मकान भी लगे हैं बगल में, तो नहीं आ रहे हैं। अब करती हूँ सफाई शुरू, तो मैं पहले ये मूर्तियों को उठा के ये सब टब में डाल के छत में ले जाऊँगी, फिर छत में जाके धोऊँगी मैं इनको। धो धो के रखूँगी, तब तक धूप में थोड़ा सूख जाएंगे, उसके बाद करूँगी अंदर का सफाई। अब मैं धोने वाले तो धो दिए, वो प्लास्टिक टाइप के हैं वो मूर्तियाँ, तो जो ये धोने वाले नहीं हैं उसको, और जो ये फोटो फ्रेम है उनको गीला कपड़ा लेके आई, फिर उसे पोंछ के साफ करती हूँ। आधे तो कर दिया, अब एक दो ही बचे हैं। सब ऐसे करके साफ करके फिर इनको मैं अंदर रखूँगी कमरे में, तब लगाऊँगी पोछा। और मैंने एक डब्बे में पानी रखा है, साबुन सर्फ का पानी, और पोछा का कपड़ा है, उसे मैं मंदिर में ही लगाती हूँ पोछा। तो पहले सर्फ के पानी से घिसूँगी टाइल्स को, फिर उसके बाद साफ कपड़े से घिसती हूँ। अब मुझे घिसना है टाइल्स, सरल में साफ हो जा रहे हैं ये जल्दी, एकदम सा सर्फ का पानी निचोड़ के घिसा मैंने, क्योंकि गंदे भी नहीं हुए हैं ज़्यादा, बढ़िया चमकने लग गए एक बार घिसने में। तो उसके बाद मैं इसको साफ कपड़े से घिसूंगी, तो ज़्यादा अच्छा चमकेंगे। नीचे पे थोड़ा थोड़ा तेल तेल जैसा गिरा रहता है कहीं पे धरती में, और छिपकलियों ने ज़्यादा ख़राब कर रखा है। अभी मुझे एक भी छिपकली नहीं मिला, पता नहीं जहाँ भाग गए, और ना कल कमरे में मिला मुझे कमरा साफ करते समय, ना मंदिर में मिले। मंदिर में तो दो परमानेंट गए थे, पर अभी मुझे एक भी नहीं मिला, जहाँ भाग गए पता नहीं। जो मंदिर के मूर्ति होते हैं तो उनको धोने के लिए मैं पहले, एक ब्रश है मेरे पास पेंट वाला ब्रश, तो उसे उसमें साबुन लगाती हूँ, साबुन या सर्फ जो भी है वो लगाया, तो उससे घिसती हूँ मैं। और उसके डिज़ाइन होते हैं जो, उनके अंदर से धूल जमा रहता है, तो ब्रश से घिस के अच्छा खासा बढ़िया करके निकल जाता है साफ करके, और जल्दी भी हो जाता है सरल में फटाफट। और मिट्टी के तो ऐसे पोंछ लेती हूँ, और जो ये प्लास्टिक के हैं, ज़्यादातर मेरे प्लास्टिक वाले ही मूर्तियाँ हैं, वो अलग ही जैसे प्लास्टिक जैसे या पत्थर जैसे हैं, और तो उनको मैं ब्रश से ही करती हूँ हमेशा, पेंट वाला ब्रश से।
चमका दिया है मंदिर बढ़िया करके, पास भी बच गए, अब चाहते हैं दूध लेने। ये बढ़िया सा साग हो गया, ज़्यादा पानी का बर्बाद भी नहीं हुआ और साफ भी हो गया। और बार तो कपड़े से वाइपर से पानी डाल डाल के फेंक फेंक के बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता था, आज मैंने बिल्कुल फटाफट कर दिया। और ये मंदिर के सामान रखने वाला है, सामान इसमें रखा है मैंने, तो टोकरी भी साफ कर दिया। और यहाँ पे एक ही रखा है, अभी खाली नहीं रखा तो मंदिर तो, और मैंने अंदर वाले कमरे में रखा है। फिर अभी मैं पहले दूध लेके आती हूँ, फिर और मुझे एक ऐसे वाला पेपर लेके आना है इसको बिछा के, ये छोटा ही है तो पिछले साल का छोटा बचा था, तो फिर इनको बिछाऊंगी, फिर उनके ऊपर रखूंगी मैं मूर्तियाँ। अभी शाम के बजने वाले हैं 7:30 से ज़्यादा हो गया, 6:45 हुआ है, तो मैं आई हूँ अभी मंदिर में। अब मैं पहले रखती हूँ मंदिर में मूर्तियों को और सब कुछ रखते हूँ यहाँ पे, तभी पूजा करते हूँ। अब मैं रखती हूँ मूर्तियों को और थोड़ा लेके आई, थोड़े रखती हूँ अभी फ़िलहाल, और सब अंदर ही हैं, कल रखूँगी आराम से अच्छे से, क्योंकि मैं आज दुकान में भी नहीं गई, दुकान तो गई पर सब्ज़ी लेने गई, तो सब्ज़ी वाला दुकान में से वहीं से आ गई, अंधेरा भी हो गया था, लेट भी हो गया था, अंधेरा ही होने वाला था, तो मेरा आलू प्याज ख़त्म हुआ था तो वो लेके आई मैं वहाँ से। फिर नीचे आते आते दूध लेके आते आते मतलब अंधेरा ही हो गया था, तो एक छोटा सा टुकड़ा बचा है पिछले साल का, उसको एक साइड से बिछा लेती हूँ और कल या परसों को जाऊँगी, अभी तो 2-3 दिन हुए दिवाली के, फिर लेके आऊँगे अच्छे से बिछाऊँगे फिर तो। और मुझे एक लाइट भी लेके आना है, लाइट तो है, पिछले दिवाली में देखा था मैंने एक नया जैसा सितारे वाले जैसे, बढ़िया चमक रहे थे वो, अच्छे भी लग रहे थे वो, मंदिर में लगा के लगेंगे शायद, वो तो दुकान में देखा था मैंने, तो इस बार सोच रही हूँ मैं वही वाला लेके आती हूँ। लाइट तो कितने हैं, 2-3 हैं मंदिर में लगाने के लिए, 2 तो ये परमानेंट के हैं, इनको मैं कभी खोलती नहीं हूँ, और अभी मैंने ऐसे ही खोल के रखा तो सब उलझ गए हैं ये, इनको ठीक करके लगा लेती हूँ। और ब्रिंच कील भी सब निकल रखे हैं, उनको कल अब अभी ऐसे ही लगा लेती हूँ काम चलाने के लिए, फिर कल सुबह मैं ब्रिंच कील भी लगाऊँगी सब। फटाफट घिसते समय पोछा के कपड़े से ही आ गए सब नीचे, एक आते बचे हैं, और फूलों का लड़ी भी लगाती हूँ मैं उसमें। अब हो गया है मेरा पूजा, तो मैंने इतने सारे हैं यहाँ पे, इनको रखना है अच्छे से, और अंदर है आधे सामान अंदर है, कल करूँगी। अब हो गया, अब बढ़िया करके चमकने लग गया मेरा मंदिर चकाचक। अभी रात के 9 बज गए हैं और मेरा खाना पीना तो बन चुका है और अब खाने वाले हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।